सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेद प्रैप बायोलॉजी एकेडमी। सो यस, हमने लास्ट सेशन में अपने फोटोसिंथेसिस वाले सेशन में बेटा हमने काफी चीजें कंप्लीट करी थी। फोटोसिंथेसिस हम कवर कर रहे थे एंड फोटोसिंथेसिस में हमने कवर किया था अबाउट द लाइट रिएक्शंस, है ना। लाइट रिएक्शन के बारे में चीजें कवर करी थी जब हो रही थी उसमें हमने इसके दो टाइप्स पढ़े थे कि क्या होती है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो वाली साइकिल और क्या होती है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अगर अब हम इसमें बात करें, नॉन साइक्लिक को हमने नाम दिया था जेड स्कीम। थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेके चलते हैं ताकि हम कनेक्ट कर पाए प्रीवियस क्लास और अब वाली क्लास को कि भाई साइक्लिक था और एक नॉन साइक्लिक था। इसमें हमने और भी चीजों को कवर किया था क्या, और भी चीजों को कवर किया था का यस, हमने ये जाना था when does साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर्स, कब होती है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो या हमेशा आपकी नॉन साइक्लिक होती है। तो रीजन तो होगा तो हमने वो जाना था। थ्री रीजन हमने यहाँ पे पढ़े थे बढ़िया से। नेक्स्ट अगर हम इसमें और बात करें, और क्या पढ़ा था बेटा, हमें कुछ पिगमेंट्स के बारे में जाना था, कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो उसके एक्सपेरिमेंट को भी हमने जाना था जो इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चंस आते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी नेट में अभी जून वाले टाइम पे इससे क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल डायरेक्ट, तो ये बहुत हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, कवर करी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड ऑल। पिगमेंट्स को जाना था, वो पिगमेंट्स कौन से ऑर्गेनिज्म कह लो, किस प्लांट्स में कह लो, किस में प्रेजेंट होते हैं, हमने वो भी जाना था कि कौन सा पिगमेंट किस में प्रेजेंट है, उसका वर्क क्या है, वो काम कैसे करता है वो पिगमेंट, कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कोई कहता है मैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराता हूँ, ठीक है, कोई कहता है मैं सिर्फ रेड वाले रीजन को ही एब्जॉर्व करता हूँ, कोई कहता है मैं जो है रेड वाले रीजन की लाइट को एब्जॉर्व करता हूँ। सो ये सारी चीजें हमने पूरी कवर कर ली थी। फिर अगर आपको याद हो तो हमें पता है हम सिर्फ लाइट रिएक्शन तक तो नहीं पहुंचने वाले थे ना, हम सिर्फ लाइट रिएक्शन को नहीं करने वाले थे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एक और चीज मेंशन है, दैट इज द डार्क रिएक्शन। याद करो फर्स्ट चैप्टर में ही, मतलब वो फर्स्ट सेक्शन में ही हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें एक तो लाइट रिएक्शन होगी और एक डार्क रिएक्शन होगी। तो लाइट हमारी तो फिनिश हो ही गई है भाई, लाइट तो हमने पूरी बढ़िया तरीके से फिनिश कर ली है। अब हम फोकस करने वाले हैं किसके ऊपर, हमारी डार्क वाली रिएक्शन के ऊपर। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और जानते हैं अबाउट डार्क रिएक्शन। किसके बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में। देखो जब हम डार्क रिएक्शन के बारे में जान रहे हैं, इससे पहले एक और चीज पे फोकस करना अबाउट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो हो सकते हैं, दो बोले तो मैम ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक वाले नहीं, वो हम पढ़ चुके। यहां पे अब कुछ अलग होगा, है ना, कुछ अलग होने वाला है। और वो अलग क्या है, यहां हम बात करेंगे वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो क्लोरोफिल बेस्ड हो। किस पे बेस्ड हो, क्लोरोफिल बेस्ड, दैट मींस वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए दे आर गोइंग टू यूज क्लोरोफिल। और अगर मैं इधर वालों की बात करूं वो कैसे हैं, नॉन क्लोरोफिल बेस्ड, मतलब वहां पे क्लोरोफिल यूज नहीं हो रही है, कोई और चीज है जो एब्जॉर्व करेगी या वर्क प्रेजेंट होगी ऑन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेनिंग वाले कौन है भाई, ऑल दी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, ठीक है, चाहे यूकैरियोट्स जो आप अब तक पढ़ते आए हैं, जैसे आपका रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी,
ये सब कैसे हैं बेटा, इस क्लोरोफिल बेस्ड के एग्जांपल है। प्रोकैरियोट्स के लिए भी लिख लो भाई, साइनोबैक्टीरिया, डायएटम्स एंड सो ऑन, ये सब इसके एग्जांपल है। तो मैम ये तो हम पहले पढ़ के भी आए हुए हैं, इसमें तो कुछ अलग बात नहीं है। है अलग बात, अलग बात तो अब आएगी जो हमें जाननी है, क्योंकि हमें फोकस रखना है नॉन क्लोरोफिल बेस्ड। नॉन क्लोरोफिल बेस्ड क्योंकि बहुत एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं। हमने साइनोबैक्टीरिया मतलब जो एक प्रोकैरियोट्स है उसको भी लिखा है, तो उसके अंदर भी हमने क्या मेंशन किया है, दैट मींस दे आर क्लोरोफिल बेस्ड, उसमें क्लोरोफिल है टू एब्जॉर्ब लाइट। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो, यहाँ पे कोई क्लोरोफिल नहीं है, नो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल नहीं है तो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला मतलब क्लोरोफिल नहीं, कोई और चीज होगी। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, इस साइड आप ये भी लिख सकते हो, क्लोरोफिल वाले में फोटोसिस्टम प्रेजेंट है, याद है ना, फोटोसिस्टम वन, फोटोसिस्टम टू, यस दे आर प्रेजेंट। नॉन क्लोरोफिल बेस्ड में नो फोटोसिस्टम प्रेजेंट, नो फोटोसिस्टम प्रेजेंट, कोई फोटोसिस्टम प्रेजेंट है ही नहीं। अच्छा फोटोसिस्टम नहीं है तभी तो उसके अंदर ही तो होता है क्लोरोफिल, याद करो उसी के अंदर तो था क्लोरोफिल, ना ही फोटोसिस्टम है ना ही क्लोरोफिल है, तो दोनों ही चीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फिर यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है भाई, क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर सके लाइट को, सो हम क्या लिख सकते हैं, ऑन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल, या लिख सकते हो फोटोसिस्टम, दे हैव बैक्टीरियो रोडोप्सिन, क्या प्रेजेंट है बच्चों उसके पास, बैक्टीरियो रोडोप्सिन प्रेजेंट है, ये नाम आपको याद रखना है, बैक्टीरियो रोडोप्सिन प्रेजेंट है। बैक्टीरियो रोडोप्सिन कैसा होता है भाई, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे जैसे आप फोटो सिस्टम्स को अभी हम देख कर आए हैं वो भी कैसे थे, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन पे ही तो बनाए गए हैं, दैट मीन्स वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, और बैक्टीरियो रोडोप्सिन इज ऑल्सो योर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। पहली इंपॉर्टेंट चीज, कहाँ पे मिलते हैं ये बैक्टीरियो रोडोप्सिन, किस में होते हैं, क्योंकि हमने इतने सारे एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिखे हैं, फिर ये किस में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन हेलो बैक्टीरियम सेलिनेरियम एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम, ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन द फ्यूचर भी आ सकते हैं, हेलो बैक्टीरियम सेलिनेरियम, होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल इट कंटेन्स बैक्टीरियो रोडोप्सिन। चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे क्या प्रेजेंट है, क्योंकि हेलो बैक्टीरियम सेलिनेरियम क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया ही तो है, एंड बैक्टीरिया कंटेन सेल वॉल एंड इनर साइड इट कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर इसके पास क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियो रोडोप्सिन, ठीक है, मैंने लिख दिया, ये रहा बैक्टीरियो रोडोप्सिन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नाउ ये बैक्टीरियो रोडोप्सिन क्या करता है बच्चों समझो, ये यहां अंदर जो साइटोसोल वाला पार्ट है वहां से H प्लस आयंस को इस स्पेस के स्पेस वाले पार्ट में भेजता है, जो स्पेस है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का, वहां पे सारा H प्लस आयंस भेजता रहता है, और जब ऐसे H प्लस आयंस जाते हैं, याद करो ATPase है ना, ATPase प्रेजेंट है भाई, ATPase, ये ATPase क्या करेगा, ये H प्लस आयंस को वापस भेजेगा कि जाओ भाई तुम गड़बड़ तरीके से आ रहे हो, यहां पे अब तुम्हारा कुछ काम नहीं है, वापस जाओ, तुमने सारा ग्रेडियंट खराब कर दिया है, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जो है वो जनरेट कर रहे हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट खराब कर रहे हो, वापस जाओ, वापस जाएगा, वैसे ही ATPase यूज करके इससे क्या बना देगा, क्या बनाएगा भाई, ATP बनाएगा। तो हमारे उस टाइम पे जब हमने पढ़ा था, जहां पे फोटो सिस्टम इन्वॉल्व थे, जहां क्लोरोफिल इन्वॉल्व था, वहां पे हमने पढ़ा ATP बन रही है और वहां पे NADPH भी बन रहा था, याद करो, क्योंकि वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा था, पढ़ के आए हैं पूरा,
लेकिन इस कंडीशन में कोई एसिड फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल बैक्टीरियल रोडोप्सिन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से H प्लस आयंस साइटोसोल मतलब सेल के अंदर से उस मेम्ब्रेनस स्पेस के बीच में एंटर करते हैं, वापस जब वो दोबारा से अंदर आएंगे तो ATPase उसको यूज करके ATP जनरेट करेगा। तो ये इसका काम था, होपफुली पॉइंट क्लियर। चलो एक दो पॉइंट और जानते हैं इसी के बारे में। जो आपका बैक्टीरियो रोडोप्सिन होता है बेटा, ये दो टाइप से हो सकता है, मतलब दो फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। टू फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, आइदर इन ट्रांसफॉर्म और आइदर इन सिस फॉर्म, या तो ट्रांसफॉर्म में होगा या सिस फॉर्म में होगा। अच्छा, ट्रांस और सिस कोई भी चीजें कब होती है, जब वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। तो यहां पे भी डबल बॉन्ड तो होगा, मतलब इसके स्ट्रक्चर में कहां पे होगा, जो कार्बन नंबर 13 है और जो कार्बन नंबर 14 है ना, उसके बीच में वहां पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसी की वजह से ट्रांसफॉर्म या सिस फॉर्म होके आती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन क्या बन के आता है, कौन सी एक्टिव है, ट्रांसफॉर्म इज एक्टिव और द सिस फॉर्म इज एक्टिव। तो आपका आंसर क्या होगा, सिस फॉर्म इज एक्टिव फॉर्म और जो ट्रांसफॉर्म होगी वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो ये था यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन अबाउट द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। एक हम पढ़ के आए थे पहले स्टार्टिंग क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में भी, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। यहाँ पे भी डिफरेंस है लेकिन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है तो क्या है और क्लोरोफिल नहीं है तो क्या प्रेजेंट होगा, किस में होगा, ये भी जाना। होपफुली पॉइंट क्लियर। इसमें से यहां से क्वेश्चन बन के आ चुके हैं, बैक्टीरियोडॉक्सिन एंड द हेलिकोबैक्टीरियम सेलिनेरियम, दिस इज इंपॉर्टेंट। होपफुली सब बात समझ आई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमने पढ़ा था जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। मैं ये वाला जो थोड़ा समझा रही हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। जो फोटोसिंथेसिस है वो दो पार्ट में कंप्लीट हो रही है, एक तो थी कौन सी, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर नहीं लिखते हैं, वेट, सेंटर नहीं लिखते हैं इसको, नॉर्मली हम फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एंड सेकंड वन हम यहां पे किसके बारे में पढ़ रहे थे, CO2 की फिक्सेशन वाली बात है ना, याद करो। और इसमें मैंने क्या बताया था, जब फोटोकेमिकल की बात होती है दैट मीन्स जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किस फॉर्म में, लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, केमिकल। यस, पूरा मैंने बताया था ना आपको, केमिकल एनर्जी में बदल जाएगी वो चीज। अब सेम इधर आ जाओ, CO2 फिक्सेशन क्या करता है, कहता है जो तुम केमिकल एनर्जी बना रहे हो ना, मतलब जो तुम ATP NADPH ये सब बना रहे हो ना, इसे मुझे दो, मेरे को कुछ और काम करना है, वो एनर्जी यहां पे यूज्ड हो जाती है। किस काम के लिए, CO2 के फिक्सेशन के लिए, CO2 का फिक्सेशन कराना, और फिक्सेशन करा के इससे फूड, जिसे हम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कह सकते हो, उस फॉर्म में वो कन्वर्ट करा देते हैं। बात समझ आई, CO2 फिक्सेशन, और ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पूरा पढ़ के आए हैं, इसी को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द CO2 फिक्सेशन, जिसमें क्या आता है आपका, डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये थी डार्क रिएक्शन। तो अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं, CO2 फिक्सेशन यानी डार्क रिएक्शन। तो चलो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। मैंने बताया था डार्क रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके लिए जरूरी, देखो ये डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन, मतलब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, ये देखो इधर आ, लाइट रिएक्शन पे डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इनडायरेक्टली बोले तो, क्योंकि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट मतलब केमिकल एनर्जी, ये रिएक्शन सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है। क्या ये इस पूरी रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट है, तो आंसर होगा नहीं, ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, लाइट पे तो नहीं है ये बिल्कुल भी। तो ये किस पे डिपेंडेंट है,
प्रोडक्ट, उसके एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, जो लाइट की पूरी रिएक्शन हो रही है ना उसके एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, वो कौन है, केमिकल एनर्जी, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच. तो डार्क रिएक्शन, इसी को हम CO2 का फिक्सेशन रिएक्शन भी कह देते हैं. इसमें अब हम जो सबसे पहली पढ़ने वाले हैं वो कौन सी साइकिल है बेटा आपकी, फर्स्ट केल्विन बेंसन साइकिल. क्या नाम है, केल्विन बेंसन साइकिल. कहीं कहीं पे इसी को सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल भी कह देते हैं, और कहीं पे इसी रिएक्शन को C3 साइकिल भी कह देते हैं. क्या कह देते हैं, C3 साइकिल. तो आप ये तीनों नाम भाई याद रखना, आपके एग्जाम्स में कुछ भी लिख के ये पूछ सकते हैं, केल्विन बेंसन, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल. ठीक है, तो तीनों से कुछ भी आ सकता है. अगर मैं इसको ये बोल रही हूं बेटा ये इसके तीन स्टेप्स होते हैं, थ्री स्टेप्स, कौन कौन से थ्री स्टेप्स है, और देखो हम ऑर्डर में ही लिखेंगे. पहला स्टेप होता है कार्बोक्सीलेशन, सेकेंड स्टेप क्या होता है, पहला होता है कार्बोक्सीलेशन, ठीक है, दूसरा स्टेप इसका होता है रिडक्शन, एंड द लास्ट वन, थर्ड वन इज रीजनरेशन. रीजनरेशन मतलब दोबारा से जनरेट होना, कुछ ना कुछ दोबारा जनरेट होगा. तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री स्टेप्स, ये तीन स्टेप्स तो याद ही रखने हैं. पहला कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है, और तीसरे में रीजनरेशन, कोई ना कोई चीज दोबारा से प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, हमने यहाँ पे CO2 बोला है, CO2 का फिक्सेशन, दैट मीन्स यहाँ पे CO2 यूज होगी, यूटिलाइज होगी, CO2 का यूटिलाइजेशन होगा, उसका यूज होगा केल्विन बेंसन साइकिल के अंदर, तभी तो ये नाम दे रहे हैं ना हम इसको. तो ये पहली चीज हमें पता चल गई. ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी साइकिल को नोटिस करते हैं. देखो पहले कुछ चीजें समझनी है और ध्यान से याद करते हुए हमें आगे बढ़ना है. पहली इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है अबाउट RUBP, जिसके फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट. देखो RUBP, RUBP को कुछ बच्चे सोचते हैं ये रुबिस्को एंजाइम है. नो, यहां RUBP इज नॉट एंजाइम. अगर मैं रुबिस्को लिखती तो एंजाइम है, RUBP लिखा है दैट मीन्स इट इज नॉट एन एंजाइम. ये एंजाइम नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होने वाला है, ये कोई ऐसी चीज है जो रिएक्शन में यूज होगी, जो इस साइकिल में यूज होगी, इन्वॉल्व होगी. आगे बढ़ जाओ, RUBP कन्वर्ट होता है किसी चीज में, क्या अकेले हो जाएगा या किसी की हेल्प लेगा, तो आंसर है हेल्प लेगा. किसकी, जिसका हमने नाम लिखा है, क्योंकि CO2 यूटिलाइज हो रहा है ना, तो फर्स्ट स्टेप पे ही वो यूटिलाइज होने आ जाता है. और ये आ गया CO2, एंट्री हो गई है भाई CO2 की, एंट्री हो गई है CO2 की. अब कहानी देखते हैं आगे क्या होती है. देखो जब भी हम लेंगे, अगर मैंने बोला है RUBP है, तो ये भी वन मोलिक्यूल है, मतलब सिर्फ एक RUBP. ऐसे आपने उठाया एक और एक लगा दिया RUBP, फिर एक उठा रहे हो CO2 और उसी से उसको जोड़ दे रहे हो, तो ये भी वन है. अच्छा ये तो वन वन है, अभी आपको ये भी याद रखना है कौन कितने कार्बन का है, और ये सच में बहुत हेल्प करेगा अगर कार्बन नंबर पहले से याद रख लेते हो तो, क्योंकि उसी से आप ATP कितनी जनरेट कर, मतलब यूटिलाइज करेगा ये, और कितनी NADPH यूटिलाइज करेगा ये आप अपने आप से पता कर सकते हो. फिर क्वेश्चन कितना ही आपको ट्रिक करे वो आप अपने आप आंसर निकाल दोगे. आप देखो RUBP की बात करते हैं बेटा, इट इज 5 कार्बन स्ट्रक्चर. कितने कार्बन स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन स्ट्रक्चर है. CO2 की बात करें, ये 1 कार्बन का स्ट्रक्चर है, और दोनों मिल जाएंगे 5+1, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो कितने कार्बन का स्ट्रक्चर, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ बन के आना चाहिए, इतना हमें पता चला. लेकिन जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है ना, ध्यान से देखो, जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है आपका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-bis-phosphoglyceric acid, या फिर इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, 1,3-bis-phosphoglycerate, सेम नाम है बेटा, कुछ अलग नहीं है.
पीजीए 13 पीजीए मतलब पीजीए के नाम से जाना जाता है ये पीजी। अब ये तो आप मैम बोल रहे हो ये 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां से तो जुड़ के कितने आए हैं, देखो जैसे ये 5 कार्बन का है ना, वैसे ही ये 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हो तो हमारा तो 6 बन के आ रहा था, हमारा तो 6 बन के आ रहा है, और आप प्रोडक्ट 3 का दे रहे हो, क्या 3 बचे हुए कार्बन निकल गए? नहीं निकले, तो कहां गए बेटा? ये जो 3 कार्बन का बना है ना, ये 2 बने हैं, कितने बने हैं? 2। तो 3 कार्बन और 2 जा मतलब 2 प्रोडक्ट बने हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बने हैं, मतलब 6 पूरे हो गए। हाँ, कार्बन मतलब पूरे चल रहे हैं, यहां से एक जुड़ा था, 6 बने थे, और यहां प्रोडक्ट अगर 3 कार्बन का है तो मतलब वो 3 कार्बन वाले 2 बन गए होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, बन गए। दिस स्टेप, इसी स्टेप को, क्योंकि CO2 जुड़ रहा है, नोन एज कार्बोक्सीलेशन स्टेप, यही स्टेप है वो कार्बोक्सीलेशन वाला। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसी को आप क्या कहते हो बेटा? रिडक्शन। ये है अब रिडक्शन स्टेप। क्यों? क्योंकि जो एनर्जीज आप अभी देख कर आए थे, एटीपी बनना, एनएडीपीएच बनना, जो साइकिल हुई थी, बनी थी, मतलब आपकी लाइट रिएक्शन में, वो यहां यूटिलाइज हो रही है। एटीपी यूटिलाइज होगा, एनएडीपीएच यूटिलाइज होगा, कितना होगा उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको अभी याद कराऊंगी, पर पहले से याद रखो ये यहाँ पे दोनों चीजें यूटिलाइज होंगी। और अब जो 3 पीजीए था बेटा, वो कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट इसमें कन्वर्ट होगा। तो मैंने इसको यहां पे ऐसे कर दिया। अगेन, कितने कार्बन का होता है ग्लिसरल्डिहाइड? इट इज 3 कार्बन स्ट्रक्चर। और फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कितने बने होंगे? 2, क्योंकि हमें 6 कार्बन पूरे रखने हैं, अभी यहां तक भी 6 पूरे हैं, कुछ भी कहीं पे लूज नहीं हुआ है कार्बन। चलो अब ये यहां से फिर से इस स्टेप पे वापस आएगा, क्योंकि देखो अब थर्ड स्टेप क्या कहला रहा है? रीजनरेशन। तो कोई चीज रीजनरेट हो रही है, रीजनरेट, दोबारा जनरेट हो रही है। क्या चीज दोबारा रीजनरेट हो रही है? आरयूबीपी। आरयूबीपी का रीजनरेशन होता है, आरयूबीपी फिर से रीजनरेट हो रही है, दोबारा से बन जा रही है। अच्छा मैम, वो तो 5 कार्बन की थी, यहां तो आप उसको 6 कार्बन दे दियो, अब वो एक कार्बन कहां गया? वो एक कार्बन बेटा यहां पे 1 कार्बन का क्या हो जाता है? फिक्सेशन, ऊपर लिखा है ना CO2 का फिक्सेशन। तो एक कार्बन आया तो जो था वो यहां पे अब क्या हो जाता है, लास्ट स्टेप पे आते आते फिक्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो कहीं पे यूटिलाइज हो जाएगा फूड के अंदर और उसके अंदर, तो वहां पे वो यूटिलाइज हो जाता है, इसलिए हमने टर्म दे दिया फिक्सेशन। तो वो यहां फिक्स हो जाएगा, और बचा हुआ 5 कार्बन फिर से आरयूबीपी की तरफ। पहले 5 और 1 मिला तो 6 बना, और 6 यहां पे पीजीए बना रहा है जो 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, मतलब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल से फिर से 3 कार्बन के अगले 2 मॉलिक्यूल बने, मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये आगे एक कार्बन फिक्स और 5 कार्बन वापस से आरयूबीपी बनाने में दे दिए। तो ये सारी चीजें चलती है इसी टाइम पे, इस रीजनरेशन वाले स्टेप पे भी एटीपी यूटिलाइज होती है। होपफुली पॉइंट क्लियर हुए होंगे, होपफुली सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, कैसे आपका कार्बोक्सिलेशन हुआ है, कैसे रिडक्शन हुआ है, और कैसे रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कितने एटीपी, कितने एनएडीपीएच और कितना इधर की तरफ एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, जितने ये है ना कि कितने पीजीए बन रहे हैं, कितने पीजीए बन रहे हैं, उतने ही यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, उतने ही यहाँ पे एनएडीपीएच यूटिलाइज हो रहे हैं। देखो यूटिलाइज हो रहे हैं, फॉर्म नहीं हो रहा, कहीं पे बन नहीं रहा है, सिर्फ यूज हो रहा है। यहाँ पे 2-2, और यहाँ पे क्योंकि 1 कार्बन फिक्स हुआ है तो 180, कितना 180। तो टोटल मैं पूछूं 4-1 CO2 फिक्सेशन, जब 1 CO2 आ रहा है और उसका फिक्सेशन कराना है तो कितना एटीपी यूटिलाइज हुआ और कितना एनएडीपीएच यूटिलाइज हुआ? होपफुली अब सभी लोग आंसर देने के लिए कैपेबल हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन के आते हैं। देखो 2 और 1 3, और यहाँ पे कितने लिखेंगे? सिर्फ 2, कि इतने यूटिलाइज होने वाले हैं, किसके लिए? सिर्फ 1 कार्बन फिक्सेशन के लिए। क्लियर? चलो
लेकिन मैं अब क्या कर रही हूँ, कार्बन नंबर्स बढ़ा देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, कार्बन नंबर्स बढ़ा दे रही हूँ। वन क्यों करना है, अब हम 3CO2 लेते हैं। 3CO2 मतलब कितने कार्बन हो गए, 3CO2 मतलब 3 कार्बन। अच्छा, और जो RUBP था इसको भी ले लेते हैं, जो पहले से कितने कार्बन होता है याद करके रखो, 5 कार्बन। और ये दोनों अब आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहां पे आपका प्रोडक्ट तो फिक्स है, प्रोडक्ट कहीं नहीं जा रहा कि PGA ही बनेगा, वो 3PGA ही बनेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। मतलब बन के कुछ 3 कार्बन का ही आना है, बन के कुछ 3 कार्बन का ही आना है। क्वेश्चन ये है कितने मॉलिक्यूल बन के आएंगे, 3 कार्बन वाले ये कितने मॉलिक्यूल। जैसे वहां पे हमने देखा था 6 बना, 6 को आपने डिवाइड कर दिया 2 में कि भाई 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बन के आ रहे हैं। यहां पे आप देखो, काउंट करो पहले 5 कार्बन और इधर 3×3=9, ठीक है। ओके, 3 कार्बन टोटल ही है 5। अच्छा हाँ, एक और चीज, जितने मॉलिक्यूल ऑफ आप ये लेते हो बेटा CO2, उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ RUBP लेने पड़ेंगे। जितने मॉलिक्यूल आपने CO2 के लिए हैं, उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ RUBP लेने पड़ेंगे, तब ये आपको आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। मतलब अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल सी कार्बन के लिए तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, 5 इसके लिए तो 5 ही है, 4 इसके लिए तो 4 ही है, 6 इसके लिए तो 6 ही है, हर चीज बराबर। तो 3 उसके लिए तो 3 इसके लिए, 3 उसके लिए तो बेटा 3 कार्बन आ गया उधर से, किसका, CO2 का। RUBP का भी याद करो, 3×5, 5×3=15, टोटल कितने कार्बन, 15+3। पहले इनको प्लस करके 6 आया था, अब इनको प्लस करके 18 आ रहा है। तो आपको इस PGA में जब डिवीजन करना होगा इनके मॉलिक्यूल्स की, कितने बन के आए, अब आपको 18 के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 के टेबल में 18 का बात है, 6 जा, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बन गए हैं। कितने मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर प्रोडक्ट सारे फिक्स हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये कहीं नहीं जा रहा है। फिर से ये कितने कार्बन है भाई, मैम ये तो 3 कार्बन है, तो इसके कितने प्रोडक्ट, फिर से 6। यहां पे क्या हुआ था, कार्बोक्सीलेशन, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अरे मैम, रिडक्शन पे तो कुछ चीज ऐड भी हो रही थी, कुछ चीज यूटिलाइज भी हो रही थी, क्या चीज थी, ATP एंड NADPH। कितने ATP होंगे, मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया है, जितने मॉलिक्यूल ऑफ ये बनेंगे उतने ATP और NADPH यूटिलाइज होंगे, राइट। बढ़ाओ आगे, नेक्स्ट स्टेप इज रीजनरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या हो गया है, रीजनरेशन। एंड मैंने बताया रीजनरेशन के टाइम पे भी ATP यूटिलाइज होगा, ATP यूटिलाइज होगा, लेकिन यहां पे कितना होगा, जितना CO2 आ रहा है 3। और यहां पे फिक्सेशन भी कितने कार्बन का होगा बेटा, 3 कार्बन का फिक्सेशन होगा। अब 3 कार्बन सोचो, खुद सोचो बेटा, 3 कार्बन बोले हैं तो 3 कार्बन हमेशा ऐसे ऐसे थोड़ी रहेंगे, नहीं, ये तब रहेंगे जब वो फ्री है, जैसे यहां पे एयर में, लेकिन जब वो फिक्स होते हैं एट दैट टाइम ये ज्वाइन कर जाते हैं और एक 3 कार्बन का कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। मतलब जब फिक्स होंगे वो भी किस फॉर्म में हो रहे हैं, यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, क्योंकि अब वो फ्री थोड़ी हैं, अब है ना उनके पास ऑप्शन आपस में जुड़ने का, कुछ प्रोडक्ट बनाने का, तो अभी वो यही करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और एक प्रोडक्ट बना देंगे, विच इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ऐसी चीजों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर 3 कार्बन एंटर कर रहा है तो उसमें जो फिक्सेशन हो रहा है वो बताओ वो कितने कार्बन का हो रहा होगा, वो 3 का हो रहा है, और वो क्या बना के कर रहा है, फिक्स ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब चलो यहां लिख देते हैं इसी चीज को, इफ 3CO2 इज अंडर
C3 साइकिल, अगर C3 CO2 C3 साइकिल में जा रहे हैं तो कितने ATP यूटिलाइज हो रहे हैं और कितने NADPH यूटिलाइज हो रहे हैं। एटीपी की बात करें, अगर मैं एटीपी की बात करूं, कितने एटीपी, 6 + 3 9 एंड दिस इज 6, खत्म। बस यही तो क्वेश्चन था। यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि अगर मैंने 3 भेजे तो कितने एटीपी, 1 भेजा था तो कितने एटीपी थे, है ना। और अब मैं अगला कराऊंगी वो है 6, और आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा, अगर मैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दे रही हूं तो 6 ही RUBP लेंगे, सही बात है। 6 है इधर, कितने कार्बन, 6 कार्बन, ये RUBP कहता है मैं तो 5 कार्बन हूं, तो हम इसकी कैलकुलेशन पहले से करके रखेंगे। देखो अब CO2 कह रहा है मेरी तरफ से मैं 6 कार्बन दूंगा क्योंकि मैं 6 CO2 आपस में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर RUBP कह रहा है मैं भी 6 आ जाता हूं फिर, लेकिन एज RUBP मैं 5 कार्बन का हूं, तो 6 × 5 = 30, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 36 कार्बन। होपफुली बात समझ आई, एंड दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सीलेशन। अब हमें पता है प्रोडक्ट हमारा फिक्स है विच इज 3PGA बन गया, अगेन ये भी फिक्स है कि ये 3 कार्बन का है। अब हमें 36 को 3 में करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है, मतलब 12, तो ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, 12 मॉलिक्यूल, 12 PGA के प्रोडक्ट बन के आएंगे क्योंकि वो उसके आधे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन, और जब रिडक्शन स्टेप हो रहा है तो बन के क्या आता है, वही ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट, और ग्लिसरलडिहाइड अगेन इज अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर, तो ये भी कितने बन के आ रहे होंगे, 12। इस टाइम पे मैंने बताया दो चीजें यूटिलाइज हो जाएंगी विच इज ATP एंड NADPH, और कितने ATP और NADPH, जितने ये हैं, दैट इज 12 एंड 12। होपफुली पॉइंट इतने अब क्लियर होते जा रहे हैं क्योंकि अब हम बहुत सारे रिएक्शन सेम कर चुके हैं। रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन, और रीजनरेशन के टाइम पे भी क्या कुछ यूज होता है, यस अगेन ATP, लेकिन अब कितने जितने यहां पे ये आ रहे हैं, दैट इज 6। अगर 6 आ रहे हैं तो यहां से 6 कार्बन ही फिक्स होगा भाई, तीन वाला जो है, जब 3 CO2 थे वो भी आपस में ज्वाइन करके फिक्स हुए हैं, तो 6 को तो छोड़ेंगे नहीं, 6 तो और अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है, क्या बना सकता है, ये ग्लूकोज बना सकता है, फ्रक्टोज बना सकता है, आपस में मिलके सुक्रोज भी बना सकते हैं, मतलब समझ रहे हो, अब ये अपने जो इनका फिक्सेशन प्रोडक्ट है, अब ये उसकी तरफ आ रहे हैं। तो हमने पहले जस्ट बेस बनाया था कि 1 कार्बन है तो क्या बनेगा, 2 कार्बन है मतलब 3 है तो क्या बन रहा है, और 6 है तो क्या बन रहा है, और उस टाइम पे कितने ATPs यूटिलाइज हो रहे हैं, जो सबसे मस्ट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कितने ATP यूटिलाइज हो रहे हैं। नाउ ATP 12 + 6 और ये दिस कब है, ये जब कितने आपके पास CO2 यूज कर रहे हो, 6 CO2 यूटिलाइज कर रहे हो। पॉइंट क्लियर, यस होपफुली सबको पॉइंट क्लियर होगा। चलो फिर ये थी आपकी कौन सी साइकिल, C3। अब आते हैं बात ये करने, जैसे हम कभी ग्लाइकोलिसिस करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ये प्रोक्रियोट्स में तो यहाँ पे होती है ये रिएक्शन, और यूक्रियोट्स में ये रिएक्शन यहाँ पे होती है, हम बोलते हैं कि दोनों में ये साइटोसोल में है, या कभी कभार ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होगी, या ये साइटोसोल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं हो रही होगी, वी नो दैट। यहाँ पे भी अब इस रिएक्शन की बात करते हैं कि ये क्या प्रोक्रियोट्स में होती है या नहीं होती है, होती है तो कहाँ होती है, यूक्रियोट्स में होती है तो कहाँ होती है। तो पहली तो यही स्टेटमेंट दैट C3 occurs in, ये दोनों में ही होती है, both prokaryotes
एंड यूकेरियोट्स, ये दोनों में होती है C3, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन ये है भाई प्रोकैरियोट्स में कहां पे एंड यूकेरियोट्स में कहां पे। देखो जब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये कहां करेंगे इसको, अपने साइटोसोल वाले एरिया में, सिंपल साइटोसोल। लेकिन यूकेरियोट्स के पास तो क्लोरोप्लास्ट है तो ये उसके स्ट्रोमा में करेंगे, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। होपफुली सबको रिमेंबर होगा क्या है स्ट्रोमा वाला पार्ट। इफ दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो यहां पे आपको इस टाइप से ग्रेना मैंने बना के दिखाए थे लास्ट क्लास में, विच इज कनेक्टेड बाय स्ट्रोमल, यस स्ट्रोमल लैमेला जुड़े हुए थे। ये वाला जो फिलिंग स्पेस था जो यहाँ पे जैसे हमारे सेल्स के अंदर साइटोसोल होता है, दिस एरिया इज नोन एज स्ट्रोमा। इसी एरिया को हम क्या कह देते हैं, दिस इज स्ट्रोमा। तो उसी स्ट्रोमा में यूकेरियोट्स में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। होपफुली पॉइंट क्लियर। अच्छा चलो पीछे से एक और चीज पे अब हम डिस्कस करते हैं। जो हमने यहाँ पे ये वाली रिएक्शन बोल रहे हैं ना कि CO2 ले रहा है, CO2 ले रहा है RUBP को दे रहा है, CO2 ले रहा है तो RUBP को दे रहा है, बेटा क्या वो किस कौन लेगा? यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होता है, एंजाइम विच इज नोन एज रूबिस्को। तो एंजाइम है जो एब्जॉर्ब करेगा CO2 को, लेकिन वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, RUBP के साथ। सो RUBP को आप रूबिस्को नहीं बोलोगे, वो एंजाइम अलग है रूबिस्को जो ये रिएक्शन प्रोसीड करवाता है, तो वो यहां पे भी रूबिस्को है, वो यहां पे भी रूबिस्को है। जहां जहां CO2 को लिया जा रहा है वो रूबिस्को की, मतलब वहां पे रूबिस्को ही प्रेजेंट है। तो जैसे अगर हमने वहां पे बोला है, यहां पे भी हम बोल सकते हैं अबाउट, अब हम कुछ पॉइंट्स करते हैं अबाउट रूबिस्को। होता क्या है, कहां प्रेजेंट है, क्या वर्क करता है रूबिस्को, अब हम इसको जानते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रूबिस्को? देखो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इतना तो सेम ही है। पीछे क्या आ रहा है रूबिस्को के बाद, को कार्बोक्सीलेज, सी मतलब है कार्बोक्सीलेज एंड ओ मतलब है ऑक्सीजिनेज, कार्बोक्सीलेज एंड ऑक्सीजिनेज। देखो ये बहुत यूनिक कैरेक्टर है अगर हम बात करते हैं रूबिस्को की, कुछ यूनिक, कुछ अलग, कुछ स्पेशल जो इसके पास है। दैट मीन्स इसके पास दोनों एक्टिविटी है, ये ऑक्सीजिनेज मतलब ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज कर सकता है और ये कार्बोक्सीलेज मतलब CO2 को भी यूटिलाइज कर सकता है, जैसा अभी देखा था। तो कार्बोक्सीलेज कब एक्टिव होगी, ये एक्टिविटी एक्टिव व्हेन CO2 अबंडेंस में हो, CO2 की कंसेंट्रेशन एनवायरमेंट में बहुत सारी हो, प्लांट को भरपूर मात्रा में CO2 मिल रहा है, तो हमेशा वहां पे कार्बोक्सीलेज एक्टिविटी एक्टिव रहने वाली है, वो काम करने वाली है। ऑक्सीजिनेज पे आ जाओ, ऑक्सीजिनेज कहता है मैं तब एक्टिव होऊंगा जब CO2 अमाउंट में कम हो और वहां पे ऑक्सीजन अमाउंट में बढ़ जाए। अब प्लांट कह रहा है मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मुझे तो CO2 चाहिए ना, फिक्सेशन तो मुझे CO2 को कराना है, खाना तो मुझे CO2 से बनाना है, यूज तो मैं CO2 का करूंगा और वही कम है तो अब मैं उस ऑक्सीजन का वहां पे क्या करूं। तो उस टाइम पे वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिवेट करता है, ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी। और नॉर्मल कंडीशन जैसे अभी हम आसपास देखते हैं, नॉर्मल कंडीशन जहां पे CO2 हम रिलीज कर रहे हैं विच इज इन हाई अमाउंट और प्लांट उसे यूटिलाइज कर रहा है, तो वो है नॉर्मल कंडीशन, वहां पे कार्बोक्सीलेज ही एक्टिव है। लेकिन जहां लगेगा CO2 बहुत ज्यादा डाउन 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 जा रहे हैं वहां पे ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी काम करने लग जाएगी। लेकिन क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ता है, वो पड़ता है लेकिन अभी हम इन द फ्यूचर क्लासेस उसको डील करेंगे। होपफुली ये पॉइंट क्लियर। चलो थोड़ा सा बात करते हैं और अबाउट द रूबिस्को। भाई रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या फिर एंजाइम कह सकते हो इन द वर्ल्ड, या फिर बोल सकते हो ऑन अर्थ, पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन सा प्रोटीन या वो कौन सा एंजाइम है जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, दैट इज रूबिस्को। वो कौन है बेटा, रूबिस्को है।
कि रेबुलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट और कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सीवीटी और इन सब में तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, रुबिस्को से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, जो रुबिस्को होता है ना, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो रुबिस्को के स्ट्रक्चर की बात करें, ये 16 सब यूनिट से मिलके बना है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में 16 ऐसे छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं जो इसको बनाने में हेल्प कर रही है या जो रुबिस्को को कंप्लीट कर रही है। 16, उन 16 को दो में डिवाइड किया जाता है। दो में कैसे? लार्ज में, मतलब लार्ज सब यूनिट्स एंड स्मॉल सब यूनिट्स। कि कुछ लार्ज है और कुछ स्मॉल है। कितनी है लार्ज, कितनी होती है अभी लार्ज? 8। और कितनी होती है स्मॉल? बची हुई 8। पूरा इक्वल डिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो 16 थी टोटल, और टोटल में से लार्ज है 8 है और लार्ज ही स्मॉल है। क्वेश्चन बनके कहां से आता है? क्वेश्चन बनके कहां से आता है कि जो लार्ज वाली बनके आई है, देखो अगर आप बात करते हो, ध्यान से समझना कि ये आपका डीएनए है, एंड डीएनए से क्या बनता है बेटा? आपका एमआरएनए, होपफुली सबको पता है। और एमआरएनए से ही अल्टीमेटली आपका एंजाइम या आपका जो प्रोटीन है वो बनता है। वो बनता है। तो अगर मैं सब यूनिट बोल रही हूं बेटा, ये वाली जो प्रोटीन की सब यूनिट है, प्रोटीन की सब यूनिट, ये किस वाले जीन से, किस वाले डीएनए वाले पार्ट से बन के आ रही है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। जो लार्ज होती है ना, वो किससे बन के आएंगी बेटा? न्यूक्लियस क्रोमोसोम से। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है ना, या फिर न्यूक्लियस में जो डीएनए है, डीएनए लिखो, न्यूक्लियस वाले डीएनए से, जीनोम से बन के आएगी। लेकिन जो स्मॉल वाली है, वो क्लोरोप्लास्ट जो हमने ऊपर बनाया ना स्ट्रक्चर, इसके जीनोम से बन के आती है, क्योंकि हमें पता है इसके पास भी अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके पास भी अपना खुद का प्रेजेंट डीएनए होता है। तो स्मॉल वहां से बन रही है और लार्ज न्यूक्लियस वाले पार्ट से बन के आ रही है, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं और आए हुए भी हैं। होपफुली बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ठीक है, इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं वर्क, मतलब रुबिस्को, देखो सभी एंजाइम्स हो या कोई भी चीज हो, जो जब वो वर्क करती है ना, उसको क्या चाहिए होता है? एक स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, बहुत अच्छे एक अपना एनवायरनमेंट, कि मैं ना इसी टाइम पे काम करूंगा जब मुझे ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी। जैसे इवन आप पीछे देख रहे हो, रुबिस्को कह रहा है मुझे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी जब मिल जाएगी ना, मतलब CO2 ज्यादा मिलेगा, मैं ये तभी एक्टिवेट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ये इसने क्या करी? डिमांड करी है। ये इसने एक अपना एनवायरनमेंट चाहे कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए। अब हम इसको ही समझते हैं कि जो रुबिस्को है, रुबिस्को ये क्या कहता है? कि मैं दो कंडीशन ऐसी लूंगा जिसपे मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं। कंडीशंस, इसकी कुछ कंडीशंस है भाई, देख रहे हो, कंडीशन है एंजाइम की भी। पहली कंडीशन ये कहता है, क्या कह रहा है? कि मेरे को ना तुम पीएच हाई देना, पीएच हाई दो, मतलब नियरली पीएच तुम मुझे 8 के करीब दो, मैं तब काम करूंगा। तुम मुझे लो पीएच दोगे, मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा, और क्या कंडीशन है भाई, वो भी बता दो। दूसरी कंडीशन कहता है, अच्छा दूसरी जाननी है मुझे ना, मैग्नीशियम आयंस हाई चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैग्नीशियम आयंस चाहिए, मैं तब काम करूंगा। तो ये दो कंडीशंस रुबिस्को बोलकर चला गया कि मेरे को अगर तुम्हें काम कराना है कहीं पे भी कराओ, जहां ये दोनों दे दोगे मैं करूंगा। तो हमने देखा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही है ना ये, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट में यहां पे थैलेकोइड मेम्ब्रेन। चलो अब ध्यान से देखते जाओ,
जैसे ही लाइट आ रही होती है, लाइट हमने पढ़ा था याद करो, जब हम पढ़ रहे थे कौन सी साइकिल्स, अभी अभी आपकी जो हमने पढ़नी स्टार्ट करी थी लाइट रिएक्शंस वाली, है ना, जिसमें फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, उस टाइम पे क्या थे, फोटोसिस्टम्स वगैरह प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से स्ट्रोमा से एच प्लस आयंस अंदर आने लग गए थे। अंदर एच प्लस आयंस आ रहे हैं, बहुत सारे एच प्लस आयंस अंदर एंटर कर रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रोमा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको देखते हैं। यहां जो ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है, ये कहता है तुम मेरे एच प्लस आयंस को कम करते हुए जा रहे हो, अंदर ले रहे हो ना, तुम मेरे सारे एच प्लस आयंस को कम कर रहे हो। अच्छा, एच प्लस आयन कम हो रहा है तो तुम्हें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कहते हैं तब जब तुम मेरा एच प्लस आयन कम कर रहे हो ना, मेरा पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है। और रुबिस्को काम कहाँ करता है, याद करो भाई, जहां पे आपकी C3 साइकिल हो रही है वहीं तो काम कर रहा है, और C3 साइकिल स्ट्रोमा में ही हो रही है। दैट मीन्स रुबिस्को, पहले तो ये भी लिख लेना बेटा, प्रेजेंट कहाँ है, स्ट्रोमा में, तो यहीं पे प्रेजेंट है, ये मैंने बना दी, ये रहा रुबिस्को। और रुबिस्को अब खुश होके बैठा है कि मेरी एक कंडीशन तो फॉलो हो गई, क्योंकि मेरा पीएच बढ़ा के नियरली 8 पहुंचता जा रहा है। जब अंदर की तरफ बहुत सारे एच प्लस आयंस जा रहे होते हैं, ये देखो अंदर आ रहे हैं, यहां से अंदर से बाहर मैग्नीशियम आयंस निकलते हैं, मैग्नीशियम आयंस बाहर आते हैं, अंदर से मैग्नीशियम आयंस बढ़ते हैं, बाहर आते हैं स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में धीरे धीरे मैग्नीशियम आयंस बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है, हाई मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन हो जाती है, कहां पे भाई, स्ट्रोमा में। तो क्या दोनों कंडीशंस फॉलो हो गई, यस, क्या हो गई भाई, दोनों कंडीशन जो रुबिस्को को चाहिए थी वो फॉलो हुई, पहली पीएच हाई हो गया है और उसी की वजह से मैग्नीशियम आयंस भी हाई हो गए हैं, पढ़ लिया हमने। तो इसकी जो कंडीशंस थी ना, वो इसकी फुलफिल करा के दे दी गई कि चलो तुम्हें जो चाहिए था अब हम तुम्हें दे रहे हैं और अपना काम करो। और इसका काम एक ही था, C3 साइकिल। होपफुली सबको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, मतलब आपकी C3 साइकिल अब आपके माइंड में पूरी तरीके से बैठ गई होगी। तीन ही स्टेप है, CO2 आ रहा है और ATP और NADPH यूटिलाइज हो रहे हैं इस रिएक्शन में, जो कहां बन गए थे, फोटोकेमिकल रिएक्शन में, खत्म। और रुबिस्को को अब हमने डिटेल में पूरे से जान लिया कि क्या होता है रुबिस्को, कैसे वो करता है वर्क। चल आगे अब हम कुछ पॉइंट को समझते हैं, दैट इज योर फेट ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड सुक्रोज। ना इसका क्या मतलब हुआ मैम, फेट ऑफ दिस, मतलब वो फ्यूचर में कहां जाने वाला है जब ग्लिसरल्डिहाइड बन जाता है। देखो हमने बोला यहां पे ग्लिसरल्डिहाइड बना, ये देखो ये कहां बन रहा है, सब पूरी रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रही है, तो स्ट्रोमा में ही तो बन रहा होगा ना, कहीं और तो नहीं बन रहा होगा। अच्छा, ये कहां जाएगा, ये वहीं रहेगा स्ट्रोमा में जिंदगी भर, या कुछ आगे बनेगा इससे, या कहीं कुछ जाके यूटिलाइज होगा। सेम ये जो सुक्रोज बन रहा है, ग्लूकोज वगैरह बन रहे हैं, इनका क्या फेट है, क्या ये यहीं प्रेजेंट रहने वाले हैं या इन द फ्यूचर कहीं और ट्रेवल करके जाएंगे। सो वो है उसका फेट। अब हम उस फेट को जानते हैं। सी इफ दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट, ये रहा क्लोरोप्लास्ट और यहां पे वही आपका, मैं थोड़ा सा हेल्प करने के लिए बता देती हूँ, ये रहा वो ग्रेना एंड ऑल, ठीक है, और ये स्ट्रोमल लैमिला ऐसे जुड़ा हुआ है। यहां पे सारे में क्या फील है भाई, ये पार्ट है स्ट्रोमा पार्ट, और स्ट्रोमा पार्ट में क्या हुई है, C3 साइकिल। तो यहां पे हुई है C3 साइकिल, और C3 साइकिल से ही आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी बन सकता है, अगर कितने कार्बन आ रहे हैं, 3, और यहीं से बन सकता है कौन, सुक्रोज। बस डिस्पाइट द फैक्ट इसको 6 कार्बन चाहिए और इसको 3 कार्बन चाहिए, इन्हीं की तो फेट पड़नी है ना, दोनों का नाम लिखा है। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या कहां जाएगा, क्या ये हमेशा यहीं प्रेजेंट रहेगा स्ट्रोमा में, और सेम क्वेश्चन विद द सुक्रोज, कौन कहां जाने वाला है। जब ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की बात करते हैं तो बेटा ये यहीं पे स्टोर हो जाता है, कहां पे, इन स्ट्रोमा, यहीं पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो सुक्रोज होता है
दिस इज मोबाइल इन नेचर, मतलब वो मूव कर सकता है, ये यहां से बाहर आएगा। अच्छा बाहर है बेटा, बाहर क्या होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है, किसी सेल के अंदर ही तो है, और ये एरिया कैसा हो जाता है उसके लिए, अब साइटोसोल, कहां पे आ गया, साइटोसोल। तो मोबाइल होके मतलब मूव करके जो सुक्रोज है वो कहां ट्रेवल करके आ गया बेटा, साइटोसोल में आ गया, साइटोसोल में आ गया। अब साइटोसोल में आके ये यहां पे स्टोर हो सकता है, यूटिलाइज हो सकता है, स्टोर होगा तो इन फॉर्म ऑफ स्टार्च होगा, हमें पता है कि प्लांट में स्टोरिंग फॉर्म क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन इज इन एनिमल्स, तो वो यहाँ पे स्टोर हो सकता है, या फिर अगर उसे यूटिलाइज होना है तो बेटा वो यूटिलाइज भी हो सकता है। होपफुली बात समझ आ गई होगी, ठीक है, चलो ठीक है, ये होपफुली बात समझ आई कैसे ये कहाँ मूव कर सकता है और कैसे ये वर्क करता है। चलिए फिर इसी के साथ नेक्स्ट साइकिल, अब हमारी C3 हमने पढ़ डाली, हो गई हमारी C3 साइकिल कंप्लीट, बढ़िया, विदाउट एनी डाउट, है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम, नेक्स्ट देयर इज वन साइकिल जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, C2 साइकिल। C2 साइकिल, पहला क्वेश्चन, कब होगी, क्या हमेशा हो जाती है या कोई स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। देखो जब हमने बात करी थी किसकी, रुबिस्को की, तो रुबिस्को कह रहा है मेरे पास दो एक्टिविटी है, एक है कार्बोक्सिलेज और एक है ऑक्सीजिनेज, एक तो है कार्बोक्सिलेज और एक है ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी, और मैंने कंडीशन भी बताई थी। कार्बोक्सिलेज कहता है जब CO2 मुझे अच्छे अमाउंट में दे दोगे तो मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा, और ये कहता है जब मुझे ऑक्सीजन तुम ज्यादा दे दोगे, और सेम उसी चीज को हम लिख सकते हैं CO2 कम दे दोगे तो मैं तब एक्टिवेट होऊंगा। सो अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जब CO2 कम हो जाए या ऑक्सीजन बढ़ जाए तो कौन सी साइकिल होगी, C2 साइकिल अकर्स। किन प्लांट्स में होती है बेटा, जितने भी C3 प्लांट्स होते हैं ना, अभी हम आगे लिखेंगे भी इसके एग्जांपल्स, उन सब में हो जाएगी, किसी भी वेदर कंडीशन में हो, अगर ऐसा कुछ हैपन हो रहा है ना कहीं पे भी, तो अपने आप साइकिल C2 बनने लग जाएगी, C2 की तरफ बढ़ेगी। इसी रिएक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन पाथवे, इस नाम से जानते हैं, बहुत सारी जगह पे ना डायरेक्ट लिख देते हैं दिस इज फोटो रेस्पायरेशन पाथवे के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और बच्चे कंफ्यूज क्योंकि C2 तो पढ़ के गए हैं लेकिन उसी को फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं ये भूल जाते हैं, तो ये रिमेंबर रखना है, इसी रिएक्शन को हम फोटो रेस्पायरेशन भी कहते हैं, इवन इसको हम वेस्टफुल साइकिल भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वेस्टफुल साइकिल, ये वेस्टफुल साइकिल है भाई, क्या है ये, वेस्टफुल साइकिल, ऐसे याद रखना है, क्यों कह रहे हैं वेस्टफुल, अभी समझ आ जाएगा, अभी आपको और समझ आ जाएगा कि क्यों कह रहे हैं वेस्टफुल इसको हम, ये होपफुली थोड़ी बहुत चीजें इसका इंट्रोडक्शन हमें समझ आ गया। एक और चीज याद करो, इसकी ये कहां पे होगी, अकर्स इन कहां पे होगी, थ्री जगह पे याद रखनी है आपको, तीन प्लेसेस याद रखनी है, गैस CP में, यस पढ़ना भी ऐसे ही है, CP में कहां हो रही है बेटा, CP में, सी बोले तो मैम क्लोरोप्लास्ट, अच्छा पी बोले तो पेरोक्सीजोम, है ना, और एम बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीन जगह पे ये होती है, इन तीन ऑर्गेनेल्स में ये रिएक्शन होती है, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सीजोम एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, स्टार्टिंग विद यहां से, स्टार्ट यहां से होती है एंड एंड कहां पे होती है, एंड भी यहीं पे होती है, पर ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि सीक्वेंस क्या है, वन नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है और थर्ड नंबर पे ये है, बस ऐसे याद रखना, होपफुली पॉइंट क्लियर, ये सारे पॉइंट क्लियर, अब हम इसको करने स्टार्ट करते हैं।
ये तीन ऑर्गनलीज मैं बना के दे रही हूं आपको, और इनका नाम क्या है, सी पी मे। फर्स्ट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट, क्यों, क्योंकि रुबिस्को यहीं पर प्रेजेंट है। तो ये रहा रुबिस्को, ठीक है, वही सेम आरयूबीपी, और आरयूबीपी कितने कार्बन भाई, पांच कार्बन। कार्बन थोड़े से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कितने चीज का प्रोडक्ट बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। अब रुबिस्को कह रहा है मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन ले लेता है, ये ऑक्सीजन है बेटा, ब्रैकेट में डाला है, इसे कुछ और CO2 मत समझने लगना, इट इज ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। रुबिस्को ने लिया और आरयूबीपी को दे दिया और कहा चलो भाई प्रोडक्ट बना लो जो तुमसे बन रहे हैं। तो एक बनाएगा 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो तीन कार्बन का है। अब आप ये देखो कार्बन का रोल, इधर 5 कार्बन सी है और ये ऑक्सीजन आ रहा है नॉट कार्बन, तो टोटल 5 कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 3 कार्बन के पीजीए में एंड एक 2 कार्बन में, ठीक है, 2 कार्बन, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो मैं यहां लिख देती हूं, एक तो ये बन गया, दूसरा बना 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। होपफुली बात समझ आई, आरयूबीपी से जुड़ा ऑक्सीजन आया है ना, तो पांच ही कार्बन रहेंगे, पांच में से अब क्या होगा, 3 और 2 का ही तो डिवीजन होगा, तो एक बन गया 3 कार्बन का पीजीए और जो किस में जा सकता है C3 साइकिल में, और बचा हुआ 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट में से आप क्या हटा देते हो, फॉस्फेट रिमूव कर देते हो, तो बन जाएगा क्या, सिर्फ ग्लाइकोलेट। क्या बन जाएगा बच्चों, ग्लाइकोलेट बन जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोलेट। इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि ये ग्लाइकोलेट है, ग्लाइओक्सिलेट है, ग्लिसरेट है, ये क्या है, तो ये याद रखना है इट इज ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट मूव करके यहां पे आता है, अब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं क्या मूव करके जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सीसोम में, इट इज ग्लाइकोलेट। तो ये आ गया, ग्लाइकोलेट अब किसको एब्जॉर्ब करेगा बेटा, ऑक्सीजन को, और प्रोडक्ट बनाएगा किसको, ग्लाइओक्सिलेट। क्या बना देगा, ग्लाइओक्सिलेट बना देगा, जो आपको याद रखना है। तो क्या रिएक्शन यही रुक जाएगी, ग्लाइओक्सिलेट बना, ठीक है। अब देखो ये ऐसे याद रखना, ग्लाइकोलेट ग्लाइओक्सिलेट, तो ग्लाइओक्सिलेट कहां बन रहा है, पी में, मतलब उससे पहले क्या बना होगा, ग्लाइकोलेट जो मूव करके आया होगा, तो ग्लाइकोलेट एंड ग्लाइओक्सिलेट। ये ग्लाइओक्सिलेट बेटा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लाइसिन। कुछ सुना सुना लग रहा है ग्लाइसिन, यस लग तो रहा है मैम, क्योंकि हम इसे अमीनो एसिड के फॉर्म में पढ़ते हैं, यस ये बनता है और ये ट्रेवल करके यहां आ जाता है। ग्लाइसिन कितने कार्बन का है, कहते हैं मैं हूं 2 कार्बन का, और ये कन्वर्ट होके क्या बनाता है पता है, सेरीन, विच इज ऑफ 3 कार्बन। मैम 2 से 3 कैसे बन गया, नहीं 2 से नहीं बना, ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल थे, तो मैम ये तो 4 थे, अब 4 से 3 दैट मींस यहां पे एक CO2 बाहर निकला होगा, यस 1 CO2 बाहर निकला है, बिल्कुल सही बात। उसके अलावा और क्या कुछ इसने कुछ यूज किया है, तो हम बोलेंगे यस, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी है, सेरीन मूव करके इधर आएगा, ठीक है सेरीन इधर आएगा, और यहां पे ऐसे ही आपकी डिफरेंट रिएक्शंस प्रोसीड होगी, आपको जो याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन अब क्या याद रखना है कि इधर क्या मूव करके आएगा, इधर क्या मूव करके आएगा। तो ये जो सेरीन है बेटा ये कन्वर्ट होता है किसमें, एट द एंड कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में,
और ये ग्लिसरेट अब मूव करके यहां आएगा। अच्छा उससे पहले इसका नाम क्या था, 2-phosphoglyph-1-3-phosphoglycerate या ग्लिसरिक एसिड। ये ग्लिसरेट तो मैम कुछ ऐसा ही लग रहा है, दैट मीन्स यस यस ये इन द फ्यूचर क्या बनाएगा, 3-phosphoglycerate, और ये 3-phosphoglycerate C3 साइकिल में यूटिलाइज हो जाएगा। दिस होल साइकिल इज नोन एज बेटा C2 साइकिल। क्वेश्चन पहली इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व्ड हैं स्टार्टिंग, और मतलब ऑर्डर क्या है उनका सीपी में, याद करने का तरीका पता चला फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग याद रखने की कि उसके बाद बेटा कौन सी चीज है जो यहां से यहां मूव करके जा रहा है सी से पी में, तो हमारे पता चल गया भाई ग्लाइकोलेट के बाद कौन सी ऐसी चीज है जो मूव कर रही है पी से एम में, दैट इज ग्लाइसिन। कौन सी ऐसी चीज है जो मूव कर रही है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू पेरोक्सीजोम विच इज सेरीन, एंड पेरोक्सीजोम टू दिस इज ग्लिसरेट। क्वेश्चन ये पूछ लेगा बताओ सेरीन फॉर्म कहां पे हो रहा है, कौन सी ऑर्गेनेलीज में हो रहा है, तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेरीन यहां पे बन रहा है। क्वेश्चन पूछ लेगा बताओ ग्लाइसिन कहां पे फॉर्म हो रहा है, तो विच इज पी, पेरोक्सीजोम में बन रहा है। क्वेश्चन पूछ लेगा बताओ ग्लिसरेट कहां पे एट द एंड पहुंच के आया है, विच इज सी, ठीक है क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है, इसमें से ये पूछते हैं ठीक है। और इस रिएक्शन को इसीलिए क्योंकि यहां पे ग्लाइकोलेट बनता है इसलिए हम इसे ग्लाइकोलेट साइकिल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, ग्लाइकोलेट साइकिल। होपफुली पॉइंट क्लियर हो। ये पूरी क्या ऐसी साइकिल है बेटा आपकी, C2 साइकिल, जो आपको याद रखनी है। अब आता है एक बढ़िया सा इससे क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, वो है यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, ठीक है एटीपी का यूटिलाइजेशन। जब ये ग्लिसरेट यहां पे कन्वर्ट होता है बेटा, यहां पे एटीपी यूटिलाइज करता है, क्या यूटिलाइज करता है एटीपी, क्या यूटिलाइज करता है एटीपी, और कितनी देर के लिए यूटिलाइज, मतलब कितने अमाउंट ऑफ एटीपी यूटिलाइज करता है। देखो हम बोल रहे एटीपी यूटिलाइज किया और एटीपी से पता क्या बना देता है, एएमपी। कभी ऐसा सुना है कि एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो गई? हम हमेशा कहते हैं जो एटीपी है ना वो एडीपी बना रहा है, मतलब ट्राइफोस्फेट से डाइफोस्फेट एक ही फॉस्फेट यूटिलाइज हुआ, इस केस में 1-फॉस्फेट यूटिलाइज हुआ। लेकिन इफ आई सेट एटीपी से एएमपी बना दिया, दैट मींस मोनोफॉस्फेट, ट्राई से एम मोनो पे आ गए, मतलब 2-फॉस्फेट 2-फॉस्फेट यूटिलाइज हो गए। इसका मतलब तो यही हुआ ना, दोनों फॉस्फेट यूटिलाइज हो गए। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, देखो बिल्कुल एएमपी में आ जाता है। इसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, इसी केस की वजह से हम क्या कह देते हैं, इट इज यूटिलाइजिंग नियरली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को ये यूटिलाइज कर रहा है। क्वेश्चन आ जाए कि ड्यूरिंग C2 साइकिल बताओ कितने एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं, तो सीधा सा आंसर आना चाहिए भाई 2, हमें एक नहीं बोलना, हमें नियरली भी नहीं बोलना, हमें याद रखना है वो 2 यूटिलाइज कर रहा है, बिकॉज क्योंकि एटीपी एडीपी में छोड़ के एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज नियरली 2 एटीपी, वो बराबर ही 2 एटीपी के हो गया ना, एक ही साथ 2 फॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट यूज होता तो हम कहते हैं ये एटीपी यूज कर रहा है, लेकिन उसने एएमपी में कन्वर्ट कर दिया और वो लगभग 2 एटीपी के बराबर है। तो ये आपका यहाँ पे प्रोसेस चलता है। होपफुली पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, व्हाट इज फोटो रेस्पायरेशन, व्हाट इज सी टू साइकिल, क्या यूटिलाइज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब हमें पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं
कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पे? अभी हमने कहा ना कि C3 प्लांट्स में हो रही है, तो कुछ प्लांट्स को तो जान लेते हैं पहले। हाँ समझो, हम प्लांट्स को ना थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अभी हम प्लांट्स बोल रहे हैं, अभी हम इसमें साइकिल्स का नाम नहीं ले रहे हैं, वी आर सेइंग प्लांट्स। दे आर थ्री टाइप ऑफ प्लांट्स, जैसे C3 प्लांट और C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स। C3 साइकिल हमने पूरी कर ली। प्लांट्स को थोड़ा सा बस एग्जांपल याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो IIT जैम वाले हो, चाहे वो CUET वाले हो, बेटा सबके लिए इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू मार्क दिस। नेट वालों के लिए मैम क्या हमसे एग्जांपल पूछने वाला है तो आंसर होगा नहीं। आप छोटे बच्चे थोड़ी हो कि आपसे एग्जांपल पूछेगा, वो आपसे पूछेगा एग्जाम्पल की तरह नहीं पूछेगा, वो आपसे ऐसे पूछेगा कि आपके पास एक वीट प्लांट है और वीट प्लांट के अंदर C3 साइकिल हो रही है, उसके बाद C4 साइकिल हो रही है, बताओ करेक्ट है या नहीं स्टेटमेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए उससे पहले कि वीट प्लांट कौन सा है, वो C3 है, C4 है या स्कैम प्लांट है। हमें कैसे पता चलेगा वो, इसलिए हम पहले से जान के रखेंगे ताकि अब आपको उसके क्वेश्चन में हेल्प हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा प्रीवियस आया भी हुआ है, लेकिन पहले आप लिख लो C3 साइकिल के अंदर, पहले तो ये जानो भाई कौन कौन सी साइकिल्स प्रेजेंट होती है। प्लांट है ना, तो ये C3 साइकिल तो करेगा, उसके अलावा भी कोई कर सकता है सोचो। यस C2 कर सकता है, अभी देखो पीछे करके आए हम, C2 कर सकता है ठीक है। फोटो रेस्पायरेशन कहां देखो ये कर सकता है, बस कंडीशन कुछ उसको अपने जैसी चाहिए, बाकी इसमें हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, C3 तो है ही और C2 भी हो सकती है ऑल्सो, जस्ट एक स्पेसिफिक कंडीशन में। अब आप इसके एग्जांपल्स लिख लो, क्या है वीट और क्या है राइस और कौन है भाई बार्ले, ओट्स। ओट्स को और किस नाम से जानते हैं, करवेचर, एवीना करवेचर। और कौन एग्जांपल है, पीनट्स, टोबैको, सोयाबीन एंड सोन। लेकिन रिमेंबर करने के लिए बेटा मैं कुछ को मार्क कर देती हूं, जैसे वीट, ओट्स, बार्ले, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये पूछने जाने वाले हैं। अच्छा C4 के अंदर कौन कौन सी साइकिल हो सकती है, C4 प्लांट्स। अगेन मैं बोलूं बेटा साइकिल नहीं है ये प्लांट है, तो प्लांट पूरे पेड़ में कौन सी साइकिल हो सकती है। एक तो खाना बनाना है तो भाई C3 साइकिल तो होगी इसके पास, उसके साथ साथ C4 साइकिल होगी। और बच्चे आंसर जब देते हैं ना गलती यही करके आते हैं, वो सिर्फ सोच लेते हैं कि C4 के अंदर C4 साइकिल, C3 के अंदर C3 साइकिल, गलत। C4 के अंदर C3 साइकिल होगी क्योंकि एट द एंड उसका एम क्या है, फिक्सेशन ऑफ द CO2, और CO2 फिक्सेशन के लिए C3 साइकिल तो चाहिए ही ना, पढ़ के आए हैं पूरी अभी, तो वो चाहिए, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। चलो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसके पास क्या एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मिलेट्स। मिलेट्स आपको याद रखना है, जैसे इधर वीट मैंने बोला, उधर आपको मिलेट्स अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा सोरगम सुना होगा, सोरगम, मोनोकोट्स, जितने भी मोनोकोट्स प्लांट्स, सारे तो नहीं लेकिन मोनोकोट्स को भाई यही वाली साइकिल चाहिए होती है, मोनोकोट्स प्लांट ठीक है, एंजियोस्पर्म के जो मोनोकोट्स प्लांट है उसमें से सबको नहीं लेकिन नियरली कुछ को तो ये चाहिए ठीक है। उसके अलावा कॉर्न आप खाना मतलब यूज करते हैं, शुगर प्लांट ठीक है, जिया मेज, वो सब कैसे है बेटा C4 प्लांट। थोड़ा सा जिया मेज को भी मैं अंडरलाइन करती हूँ कि इसको भी थोड़ा याद रखना, और सोरगम। चलिए नेक्स्ट, कैम प्लांट्स। मैम ये कैसे प्लांट्स हैं भाई, ये होते हैं जीरोफिटिक, जो कैसी कंडीशन में रहते हैं, ड्राई कंडीशन में। कैम का मतलब क्या मैम, इसकी फुल फॉर्म क्रेसुलेशियन
एसिड, मेटाबॉलिज्म पाथवे, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। और कहां पे मिल रहे हैं? ड्राई, मतलब जैसे डेजर्ट। तो भाई यहां तो कैसे होंगे, जो भी सक्यूलेंट्स होते हैं वो सब मिलेंगे, सक्यूलेंट्स होंगे वही यहां पे मिलेंगे, जैसे आप बोलते हैं कैक्टस, अपुंशिया, अकेशिया, ये सब यहां पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो वो यहाँ पे अपनी ग्रोथ दिखाने वाले हैं, लेकिन ये मैं कहूंगी बेटा इंपॉर्टेंट है, जो सीवीटी वगैरह वाले बेटा उनमें तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछ सकता है, बताओ जो आपका सॉर्गम है वो कौन सा प्लांट है, C3 C4 क्या है, C4 प्लांट में कौन कौन सी साइकिल होती है, उसको छोड़ के वो लिख देगा। जिया मेज में बताओ कौन कौन सी साइकिल्स होती है, साइकिल्स प्लांट में साइकिल्स, तो बोलोगे C3 एंड C4। क्या वहां पे C2 होगी? नहीं होगी, ठीक है, C2 का वहां पे रोल नहीं होगा, आप उसको काउंट नहीं करोगे, ठीक है। और अगर होगी भी तो वो वही अगेन स्पेशल कंडीशन है, जब ऑक्सीजन ज्यादा CO2 कम, जो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम, ठीक है, लेकिन ऐसा चांसेस होता है, इसलिए वो साइकिल भी हम पढ़ते हैं और उस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो फिर नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं अब हम, विच इज योर C4 साइकिल। हमने C3 करी, हमने C4 करी, अब हम करने वाले हैं C4 साइकिल। C3 हो गई, C2 हो गई, C4 साइकिल। जब हम C4 साइकिल की बात करते हैं बेटा, इसको हम इसके अंदर हम एक एनाटॉमी का यूज करते हैं, विच इज क्रेन्स एनाटॉमी। एनाटॉमी क्रेन्स एनाटॉमी क्या है मैम? अब क्रेन्स एनाटॉमी बेटा, एक तो ये सीयूटी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है, IIT जैम वाले ध्यान से समझेंगे, ऐसी ऐसी चीजें उनमें बहुत पूछी जाती है बेटा। क्रेन्स एनाटॉमी के अंदर आपको टू टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं ना कि रिएक्शन हो रही है, क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट है, दो टाइप के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है मीजोफिल, जो हमने देखो याद करो मैंने बताया था ना पहले ही, मीजोफिल सेल जिसके अंदर हम सारी रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट देखते हैं, क्लोरोफिल देखते हैं, मीजोफिल सेल्स में होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक जो सेल है ना लीफ के अंदर देव, वो कौन सी है? वो मीजोफिल सेल्स है। उसके अलावा अब हमने कह दिया एक और है, दैट इज बंडल शीथ सेल्स। कौन है? बंडल शीथ सेल्स है। बाहर की तरफ कौन है? जैसे अगर मैं ऐसे लेयर बना रही हूं तो मैं कह रही हूं कि ये वाला मेरा हैंड बाहर की तरफ है और ये वाला मेरा हैंड अंदर की तरफ है। अगर ये दोनों सेल्स कुछ ऐसे प्रेजेंट है तो बाहर मार्जिन की तरफ कौन है और अंदर की तरफ कौन है? मार्जिन की तरफ जो होती है वो मीजोफिल सेल, एम से एम याद रख सकते हो, ये कैसी है बेटा? आउटर साइड पे। और ये कैसी होती है? इनर साइड। बात समझ आई? इन पॉइंट्स को याद रखना है, अभी हम करेंगे तो थोड़ा सा इनको याद रखना है। ये थी इसके थोड़े से हम प्रीव्यू समझ रहे हैं क्रेन्स एनाटॉमी का, जो हमने जाना दो टाइप की सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स, जिसमें आउटर साइड में क्या है मीजोफिल सेल और इनर साइड पे क्या है आपका बंडल शीथ सेल। थोड़े और डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे अगर मैंने बोला आउटर और इनर, ठीक है, लेकिन मीजोफिल सेल में कौन सी रिएक्शन होगी और बंडल शीथ सेल में कौन सी रिएक्शन होगी? मीजोफिल की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे आपकी लाइट रिएक्शन होती है, अब हम पढ़ के आ चुके हैं लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना, वो जो साइक्लिक फ्लो और नॉन साइक्लिक फ्लो था वो वाला पार्ट वो यहाँ होता है मीजोफिल में, मतलब बाहर वाले में, और अंदर वाले में क्या होता है आपका डार्क रिएक्शन, ठीक है, मतलब CO2 का फिक्सेशन वो अंदर की तरफ होगी, ठीक है। यहाँ पे लाइट क्योंकि अंदर है ना, वहां पे लाइट इतनी पहुंच ही नहीं पा रही है, इसीलिए वो अंदर की तरफ है और वहां पे डार्क रिएक्शन हम कह देते हैं। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट हम इसे इस नाम से भी जानते हैं, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट।
और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रोमल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, स्ट्रोमल क्लोरोप्लास्ट, वो है ग्रेनल और ये है स्ट्रोमल। बस ऐसे आपको पॉइंट्स को याद रखना। अब देखो क्यों लाइट रिएक्शन कहां हो रही थी, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, और थैलेकोइड मेम्ब्रेन जब बहुत सारी आपस में जुड़ जाती हैं, दे आर नोन एज ग्रेना, तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहला दिया गया। हमारे बंडल शीट सेल मतलब डार्क रिएक्शन CO2 फिक्सेशन स्ट्रोमा में होती है और वहां पे बंडल शीट सेल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या कह देते हैं, ये है हमारी स्ट्रोमल क्लोरोप्लास्ट। बस याद रखने का तरीका। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हमने बोला C4 साइकिल पहले, तो कहां हो रही है भाई, C4 प्लांट्स में। और C4 प्लांट्स बोले तो बेटा कहां प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन ड्राई ट्रॉपिकल एरिया। जो ड्राई ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे, अब मैम ड्राई वाली तो आपने कैम वालों को भी बोला था, दे वो बहुत ड्राई वाली बात हो गई, ये इतने ड्राई तक की बात नहीं पहुंची है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ड्राई है, बट इट इज ट्रॉपिकल ऑल्सो, रेन वगैरह भी हो रही है, चीजें स्मूथली थोड़ी चल रही है। ड्राई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बहुत ज्यादा विंटर वाला टाइम आता है तो स्नो फॉल हो रही है, और स्नो फॉल के टाइम पे भाई सॉइल को वाटर चाहिए, ना कि स्नो चाहिए। स्नो पूरी जमी हुई है ना, वो पानी नहीं प्रोवाइड करने वाली है, इसीलिए तो हमने क्या कह दिया, C4 प्लांट दे ग्रो इन द ड्राई ट्रॉपिकल एरिया। दिस इज फॉर CUET एंड IIT JAM के स्टूडेंट्स जो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बन के आ जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं अबाउट इट्स रिएक्शन की, जो C4 साइकिल है वो मतलब आप कहां पे होती है और कैसे। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करती हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो पहला सेल कौन सा भाई, मीजोफिल सेल, एंड अंदर वाला सेल कौन सा है, बंडल शीट। ठीक है, मीजोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल्स। तो जो मैं मीजोफिल सेल की बात करते हैं, सबसे पहले इसी को शुरू करते हैं। देखो क्या होता है, यहां पे बाहर से कौन आ रहा है, CO2। बाहर से कौन आ रहा है, CO2, क्योंकि वो बाहर की तरफ है ना मेसोफिल सेल, तो उसी में आ सकता है। इसके अंदर आया, इसके अंदर अब ये आने के बाद कन्वर्ट होता है किसमें, बायकार्बोनेट में। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बायकार्बोनेट, इसमें कन्वर्ट होता है। इस बायकार्बोनेट को यूटिलाइज किया जाता है, मतलब ये इस चीज को यूज किया जाएगा, और कौन यूज करेगा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। कौन यूज करेगा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। अच्छा, मैंने ये ग्रीन कलर से क्या बनाया है, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, इन सेल्स का क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना। चलो अभी बाहर बना रही हूं, तो मतलब ये इन सेल का क्लोरोप्लास्ट नहीं, साइटोसोल है ना, तो थोड़ा सा ऐसे याद रखना। चलिए, हमने कहा CO2 आया, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद फॉस्फोइनोल पाइरूवेट ने इसको लिया। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बेटा कितने कार्बन का होता है, कितने कार्बन का होता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, पहले से लिख के चलो, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, C3, तीन कार्बन, मतलब तीन कार्बन का स्ट्रक्चर है। और क्या बनाता है, OAA, ऑक्सैलो एसीटेट, OAA, ऑक्सैलो एसीटेट। और ये कितने कार्बन का बनता है बेटा, चार कार्बन। अरे तीन से चार कैसे हो गया, ये है ना यूटिलाइज करने वाला एक कार्बन, इसलिए चार बन गया। क्या यहाँ पे कोई एंजाइम यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज होता है, विच इज पैकेज, या फिर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। इसको तो मैं कहूंगी डबल ट्रिपल, जितनी बार मार्क करना हो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्वेश्चन आते हैं, पेप केज क्या यूटिलाइज कर रहा है, CO2 को यूटिलाइज कर रहा है।
किस से किस में कन्वर्ट कर रहा है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट कर रहा है। पेपकेज कहाँ काम कर रहा है, मेसोफिल सेल में काम कर रहा है। पेपकेज साइटोसोल में काम करता है या कहाँ, तो साइटोसोल में काम कर रहा है। पेपकेज क्या करवाता है भाई, CO2 का एडिशन, CO2 एडिशन। कौन, पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज। व्हाट इज पेप, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, ऐसे आप याद रखना। गेट एग्जाम गया अभी, जो गेट वाला एग्जाम था उसमें इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, नेट वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस ऑक्सैलो एसिटेट विल जंप फ्रॉम हियर टू इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एरिया, यहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद कन्वर्ट होता है मैलेट में, अगेन 4 कार्बन ही है, कुछ लूज नहीं हुआ, मैलेट का मैलेट ही रहने वाला है, ठीक है। मैलेट से मैलेट में ही कन्वर्जन हो गया। अब जब ये ऑक्सैलो एसिटेट से मैलेट में जा रहा है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब मैलेट कहां से कहां जंप करेगा भाई, यहां से बाहर, यहां से उठ के यहां आ गया, दिस इज मैलेट। ये जो मैलेट होता है ये कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, वेट मैम, पाइरूवेट में। पाइरूवेट तो शायद 3 कार्बन का है ना, यस, ये तो 3 कार्बन का है। That means यहाँ पे एक कार्बन, एक CO2 तो लूज हो गया होगा, यस, वन CO2 लूज आउट हो गया। अब वो CO2 कहाँ जाएगा, बाहर आएगा और C3 साइकिल में एंटर कर जाएगा, C3 साइकिल में एंटर कर जाएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट अब साथ साथ लिखो, जल्दी जल्दी साथ साथ लिखो, मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है। इन C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स के अंदर जो C3 साइकिल थी वो कहां हो रही है, वो मेसोफिल सेल्स में हो रही है, नॉर्मल फोटोसिंथेटिक सेल्स और मेसोफिल सेल वो यहां होती है। लेकिन इन C4 प्लांट्स, अगेन प्लांट्स के अंदर जो C3 साइकिल होती है वो कहां हुई, बंडल शीथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, बंडल शीथ सेल्स के अंदर जाकर हुई, बाहर नहीं हुई, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कैसे ना कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं नेट वगैरह में तो बहुत बार, और CVT वगैरह में भी, कि C3 साइकिल C4 प्लांट्स पूरे बड़े पेड़ के अंदर कहां हो रही है, वो बंडल शीट सेल्स में हो रही है, तो वो इसलिए मैंने यहां पे बताया बंडल शीट सेल्स में। वो CO2 तो यूटिलाइज हो गया, नाउ व्हाट अबाउट दिस पाइरूवेट, ये पाइरूवेट का क्या होगा, पाइरूवेट यहां आ जाता है, क्या करे बेचारा, यहां आ गया और यहां आके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में। जब ये यहां पे कन्वर्ट होता है तो अगेन बेटा ध्यान से देखते रहना, ATP से AMP बन जाता है, फिर से ATP से AMP बन जाता है, क्या होता है, ATP से AMP, दैट मींस क्या मतलब हुआ, नियरली 2 ATPs यूटिलाइज हो गई है, यूटिलाइज, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि जनरेट हुई है, यूटिलाइज हुई है, यूज हुई है, ठीक है। तो 2 ATP के करीब यहां पे यूटिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, बात समझ आई। इसे हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं, किसे कहते हैं, C4 साइकिल को, किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, C4 साइकिल को। C4 साइकिल कहां हो रही है, C4 प्लांट्स के अंदर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो CO2 को लेने वाला पहला जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन है, पेपकेज है, पहला कंपोनेंट जिसके साथ वो जुड़ता है, विच इज पेप, पहला अमाउंट जो चीज बन रही है वो क्या है, ऑक्सैलो एसिटेट। देखो जब भी कोई चीज पहली बनती है ना, पहले नंबर पे जो बनती है स्टेबल होती है, उसे कहते हैं हम फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कह देते हैं। तो C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, ऑक्सैलो एसीटेट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है बच्चों, ऑक्सैलो एसीटेट। चलो अगर हम इनकी बात करते हैं, इधर आ जाओ, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दिस, फर्स्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें आपको चेंज नहीं हुआ ना, सच ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, C3 का बताएंगे, C3 का करते हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दिस, क्योंकि ये बना है, ये रहा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो हमें पता चला
चलो भाई, इसी के बाद अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रिडक्शन फेज ऑफ द केल्विन बेंसन, मतलब C3 साइकिल के टाइम पे जब रिडक्शन हो रहा है तो इन चारों में से कौन सी रिएक्शन हुई है. लिख दिया राइबुलोज, नहीं राइबुलोज तो कहीं आया ही नहीं था. देखो इसके बारे में पूछ रहा है ये रिडक्शन फेज. गिसरल्डिहाइड बन रहा है और फॉस्फोग्लिसरेट को यूज किया जा रहा है. तो अब बस आपको इस क्वेश्चन में यही ढूंढना है कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट PGA yes to glyceraldehyde 3-phosphate. सीधा सा आंसर ये हो गया. लास्ट में देखो राइबुलोज फिर से आ रहा है, हटा दो. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रक्टोज ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था. और दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट, इन में से कौन सा मेटाबोलाइट है जो केल्विन बेंसन में फॉर्म हुआ है, बना है इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो स्टार्च बायोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रहा है और वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है साइटोसोल, मतलब बाहर की तरफ. ट्रायोज फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate, फ्रक्टोज 6-phosphate. अच्छा ये देखो, फ्रक्टोज 6-phosphate कभी भी आया था जब हमने C3 साइकिल पढ़ी. राइबुलोज 1,5-phosphate आया था लेकिन फिक्सेशन का प्रोडक्ट नहीं था. यहाँ पे आपसे पूछा या तो ग्लिसरल्डिहाइड या ट्रायोज फॉस्फेट, तो हमारा आंसर होगा ट्रायोज फॉस्फेट. होने को ग्लिसरल्डिहाइड भी हो सकता था लेकिन ट्रायोज में अमाउंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है कि ग्लिसरल्डिहाइड भी हो सकता है, 3-carbon का प्रोडक्ट कोई और भी हो सकता है, इसीलिए. तो हम यहाँ पे चूज क्या करेंगे बेटा, ए ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केल्विन बेंसन साइकिल डिवाइडेड इनटू 3 phases. यस 3 phases, जैसे कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन. अब आपको पूछा है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. पहली स्टेटमेंट, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कौन है, ATP एंड NADPH, दिस एंड दिस, वो यूटिलाइज हो रही है कार्बोक्सिलेशन फेज में. सीरियसली नहीं, वो तो रिडक्शन में यूज हो रही थी, है ना, रिडक्शन और लास्ट में रीजनरेशन में यूज हुआ ATP, कार्बोक्सिलेशन में कुछ यूज नहीं हो रही. सो दिस इज इनकरेक्ट. अगर ये इनकरेक्ट है, पी इज इनकरेक्ट, ये यहां पे दे दिया, मतलब ये गलत हो गया ऑप्शन. पी यहां पर दे दिया, ये गलत हो गया ऑप्शन. इस अब बच गए जो दो ऑप्शन है उसमें एस स्टेटमेंट देखो, मतलब एस इज करेक्ट, बच गई दो. आगे पढ़ते हैं. 6 molecules ऑफ 3-phosphoglycerate, जब 6 3-PGA है, आ जाओ भाई, हमने लिखा हुआ है 6 3-PGA वाला, ये देखो, जब 6 3-PGA है तो ATP देख लो ध्यान से और ये सब. अब हम करते हैं, पहुंचते हैं फिर से उस क्वेश्चन की तरफ. इट इज कन्वर्टेड इनटू 6 molecules ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, यस, जितने थे उतने में ही कन्वर्ट हो जाते हैं रिडक्शन फेज में, यस इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट. तो क्यू एंड एस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नॉट दिस. रिडक्शन फेज में हम पढ़ चुके हैं एल्डोलेज एंजाइम आता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज. कुछ गड़बड़ी बोल दिया भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं आया था जो हम पढ़ के आ चुके हैं. देखो बहुत इजी स्टेटमेंट्स लग रही होंगी, आप बहुत इजी स्टेटमेंट्स लग रही होंगी. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये है, हमने जो पहले लाइट रिएक्शन वाला पढ़ा हुआ है ना, उसमें से लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ETC और प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा ATP एंड NADPH. कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और करेक्ट पूछी जा रही हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम P6AT, मैंने बताया था अगर ऐसा आएगा तो फोटोसिस्टम 2, ये पहले क्विनोन के पास जा रहा है, ये पहले फियोफाइटीन के पास जा रहा है, फिर क्विनोन के पास जा रहा है, प्लास्टोक्विनोन के पास, याद करो, है ना. तो इन्होंने उल्टा दे दिया, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और हमसे करेक्ट पूछा है. ए ऑप्शन यहां पे क्यों दिया है भाई, ये तो रॉन्ग है ना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सिर्फ एक ऑप्शन से हमारा तो आंसर ही आ गया. P700 मीन्स फोटोसिस्टम 1,
ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है प्लास्टोसाइनिन, यस पीसी याद करो, वो सबसे पहले फोटोसिस्टम वन को दे रहा था। एनएडीपीएच सबसे आखिरी में बनता है, यस याद करो जब मैंने बताया था यहाँ पे जाके कहीं एनएडीपीएच आखिरी में बन रहा है, सही बात है। हाइड्रोजन आयन एच प्लस आयन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइट रिएक्शन के टाइम पे, वो कंसेंट्रेट हो रहे हैं थैलेकोइड के ल्यूमेन में, क्योंकि ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है, यहीं पे तो सारे फोटोसिस्टम्स एंड ये रिएक्शन प्रेजेंट है, एंड दिस पार्ट इज ल्यूमेन पार्ट, और जितने भी एच प्लस आयन आ रहे हैं वो यहीं पे आ रहे हैं, यस इट इज ट्रू। तो बी सी डी तो ट्रू है लेकिन ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी। तो सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में थोड़ी सी देख ली है, और क्वेश्चंस हम करेंगे इन द फ्यूचर सेशंस जिसमें हम लगभग 50-40 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस हम परफॉर्म करेंगे, राइट। सो इसमें आपको क्वेश्चंस की भी टेंशन नहीं होगी, और बस आपको जो रखना है वो है कि आप सारा सेशन कंप्लीट देखो, समझो, नोट्स बनाओ, ताकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको आराम से कर सको, और आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। सो यस, सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में।